अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि अपने अकाउंट ब्लॉक होने की वजह से बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं, या तो वो पाकिस्तान पैसे नहीं भेज पा रहे या फिर वो हुंडी के थ्रू जो कि इलीगल वे है वहां से पैसे भेज रहे हैं, क्योंकि उनके अकाउंट्स पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का होल्ड लगा है। जब तक बायोमेट्रिक वेरीफाई नहीं कराएंगे उनके अकाउंट्स ओपन नहीं हो सकेंगे, एक्टिव नहीं हो सकेंगे। स्टेट बैंक ने ओवरसीज़ पाकिस्तानों को सहूलत देने के लिए बैंक्स को डायरेक्ट किया है, इंस्ट्रक्ट किया है कि अल्टरनेट तरीका अपनाया जाए और ईमेल और सरफेस मेल के थ्रू उनके डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो मंगवाए जाएं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं और फिर जो उनके अकाउंट्स पर होल्ड है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का वो ख़त्म हो जाएगा, उनके अकाउंट्स एक्टिव हो जाएंगे और वो अपने अकाउंट्स को पहले की तरह यूज़ कर सकेंगे। डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक ऐसे पाकिस्तानी जो मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान से बाहर रिहाइश पजीर हैं और एक और दूसरी कैटेगरी के पाकिस्तानी जो कि आर्जी तौर पर पाकिस्तान से बाहर हैं। तो दोनों के लिए जो तरीका मुख्तस किया गया है वो हम स्टेट बैंक की वेबसाइट पर जाकर देखते हैं, जिसमें सर्कुलर जारी किया गया था बैंक्स के लिए कि आपने किस तरह नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को अल्टरनेट तरीके से उनके अकाउंट से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का होल्ड हटाना है ताकि वो अपने अकाउंट्स को यूज़ कर सकें, उनके अकाउंट एक्टिव रहें। तो ऐसे पाकिस्तानी जो मुस्तकिल तौर पर बाहर है उनके लिए कापी ऑफ वैलिड पासपोर्ट, वीज़ा, एग्जिट स्टैम्प, रेजिडेंट परमिट, कापी ऑफ आईडी कार्ड, अकाउंट नंबर जिस बैंक में है उसका, और एक अंडरटेकिंग भी रिक्वायर्ड होगी जिसमें रेजिडेंसी स्टेटस चेंज के बारे में बताया जाएगा। तो ऐसे तमाम बैंक जो जिनको ये डॉक्यूमेंट्स वसूल होंगी वो नॉन रेजिडेंट स्टेटस मार्क कर देंगे एनआरपी अकाउंट्स पर। और ऐसे पाकिस्तानी जो टेम्परेरी तौर पर बाहर हैं उनके लिए भी हिदायत हैं कि कापी ऑफ वैलिड पासपोर्ट, वीज़ा, एग्जिट स्टैम्प, रेजिडेंट परमिट और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिटर्न भी बताएंगे, और ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 6 महीने के अंदर वापस आकर उनको अपने अकाउंट्स बायोमेट्रिक वेरीफाई कराने पड़ेंगे। इसके अलावा तीसरी जो बात बताई गई है वो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर की सूरत में है, एक अकाउंट होल्डर पाकिस्तान से बाहर है और एक पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जो पाकिस्तान में मौजूद है वो तो आम तरीके से बायोमेट्रिक वेरीफाई करेगा और जो दूसरा नॉन रेजिडेंट है वो उसी तरह जो ऊपर बताए गए तरीके हैं उनसे अपने अकाउंट्स से होल्ड हटाएगा। तो ये स्टेप्स उठाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से फैटिफ ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, जिसकी नेक्स्ट मीटिंग फेब 2020 में होनी है। पाकिस्तान को कुछ एक्शन प्लान दिया गया है, पाकिस्तान थ्राइव कर रहा है उस ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, और उसके लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। हर पाकिस्तानी का अकाउंट बायोमेट्रिक वेरीफाई कराया जा रहा है, लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे वो पाकिस्तान का यकीनी तौर पर सरमाया है। $22 अरब के करीब वो हर साल पाकिस्तान में अपने रेमिटेंसेस भेजते हैं। इसके अलावा जो हुंडी और इलीगल तरीके से भेजते हैं वो इसके अलावा है, जो लीगल चैनल्स के थ्रू आते हैं वो $22 बिलियन की खतीर रकम है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की तमाम एक्सपोर्ट $24 अरब है, $22 अरब सिर्फ पाकिस्तानी जो बाहर मुकीम है वो भेज रहे हैं। 90 लाख के करीब पाकिस्तानी बाहर हैं जो रोजगार के सिलसिले में, बिजनेस या जॉब के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर हैं, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान से बाहर उनको अच्छी सहूलियात मिलती हैं, बैंकिंग सहूलियात भी और गवर्नमेंट के ज़रिए भी, क्योंकि बाहर अच्छा निज़ाम है पाकिस्तान की नस्बत, इसलिए वो पाकिस्तानी बैंक से और गवर्नमेंट रवैये से खायफ रहते हैं। लेकिन अब स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ स्टेप्स उठा रही है जिनसे थोड़ी सी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है कि वो कंसर्न है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वेल बीइंग, वेलफेयर के बारे में। तो उसके उसका एक एस्पेक्ट यही है कि उनके जो अकाउंट्स पर होल्ड लगा है वो हटाया जाए ताकि वो अपने अकाउंट्स को यूज़ कर सकें, उनकी फैमिलीज जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो अच्छे तरीके से बैंकिंग कर सकें और फ्लो में उनकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको जारी किया जा सके। होपफुली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और उनके रिलेटिव को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।